Everyone, I'm Neelam Changda and welcome to my channel Electro Circuits. So today we will discuss about one more very basic electronic component, which is diode. So let's begin. Let's start with the definition of the diode. Diode is an electronic component that allow the current to flow mainly in one direction only. It is two terminal device and it has zero resistance in one direction and infinite resistance in the other direction. यहाँ से क्या क्लियर होता है कि डायोड जो है हमारा बेसिकली यू कैन सी फ्रॉम द इमेज हेयर देर आर टू टर्मिनल्स ऑफ द डायोड दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड जो सिल्वर लाइन होते हैं यू कैन सी फ्रॉम हेयर ये जो सिल्वर लाइन वाला होता है ये हमारा कैथोड टर्मिनल होता है तो डायोड का जो एनोड टर्मिनल होता है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड भी बोलते हैं एंड कैथोड इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड जब हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो अगर हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एंड जो नेगेटिव टर्मिनल होता है डायोड का विच इज़ कैथोड अगर हम उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं इन दैट केस आवर डायोड इज़ इन फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है डायोड का ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है प्रैक्टिकली ज़ीरो तो नहीं होता है बट येस वी कैन से नेग्लिजिबल होता है इन वन डायरेक्शन एंड इन्फिनिट रेजिस्टेंस इन द अदर डायरेक्शन मीन्स कि अगर हम डायोड का नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें एंड पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें उस केस में हमारा डायोड रिवर्स बायस होगा इन दैट केस जो है हमारा रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा और उसमें से वो करंट को अलाउ नहीं करेगा तो दिस unidirectional feature of the diode can be used in many electronic circuits to prevent the damage of many electronic components. ये बहुत ही important point है कि जो हमारा diode होता है इसका जो unidirectional feature होता है जो basic diode का इसको हम काफ़ी सारे components में use करते हैं to prevent RICs ये हम practical example के साथ अपनी next slides में discuss करेंगे so depending upon the type of the material there are two types of the diode हमारे two type के होते हैं one is silicon एंड सेकेंड वन इज़ जर्मेनियम अब जब हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं सो देयर इज़ ऑलवेज सम ड्रॉप अक्रॉस द डायोड अगर जो डायोड है वो सिलिकन मटेरियल की डोपिंग है उसके अंदर तो उस केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है डायोड के अक्रॉस दैट इज़ 0.7 वोल्ट अगर जर्मेनियम मटेरियल की डोपिंग है तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है डायोड के अक्रॉस दैट इज़ 0.3 वोल्ट सो नाउ लेट्स सी वट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ द डायोड ये जो हमारा बेसिक डायोड होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है वो ये वाला होता है हमारा इसमें ये वाला जो टर्मिनल होता है दिस वन इज़ कैथोड जो नेगेटिव को डिनोट करता है दिस वन इज़ एनोड विच इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं डायोड की जस्ट लाइक LED विच इज़ लाइट एमिटिंग डायोड जो लाइट को एमिट करती है सेम एज फोटो डायोड होते हैं हमारे शॉर्ट की होते हैं जीनर इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट डायोड इट इज़ यूज इन मैनी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स ऐसे हमारे पास टनल डायोड होते हैं वेरी कैप होते हैं बट इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द बेसिक डायोड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द अदर डायोड सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ डायोड एज वी डिस्कस्ड वी कैन सी फ्रॉम द लाइक दिस इमेज ऑल्सो देर आर मैनी टाइप्स उसके बाद हमारी जो बेसिक डायोड होता है उसका हम कैसे यूज़ करते हैं अपने सर्किट्स में वो हम देखते हैं अगर हम इस केस में डायोड जो है इसको हम सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया यहाँ पे ये डायोड है बीच में अब इस केस में डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड वन वो हमारा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है इट मीन्स डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है तो ये हमारी जो वोल्टेज को है पास करेगा और हमारी LED ग्लो कर रही है इस केस में डायोड जो है हमारा रिवर्स में है बिकॉज जो कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है सो इस केस में हमारा डायोड रिवर्स बायस में है तो वो करंट को पास नहीं करेगा आगे और हमारी LED ग्लो नहीं करेगी ये हमारा एक सिंपल बेसिक सर्किट है डायोड का उसके बाद आता है कि हाउ वी कैन यूज़ द बेसिक डायोड टू प्रोटेक्ट आर ICs सो वी कैन टेक वन एग्जाम्पल फ्रॉम हेयर सपोज वी हैव एन IC हम जो LED है इसको हम IC कंसिडर करते हैं ये हमारी IC है एक और दिस वन इज़ ए सिंपल LED वी कैन से टू इंडिकेट कि हमारा फॉरवर्ड में लगा है या रिवर्स में लगा है बैटरी तो हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है तो मैंने क्या किया बैटरी का जो टर्मिनल है मैंने उसको डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव को मतलब कि LED के साथ कनेक्ट किया इट मीन्स कि जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है
इससे क्या क्लियर होता है कि ये हमारा करंट को अलाउ करेगा बिकॉज डायोड इज़ इन फॉरवर्ड बायस, तो उस केस में हमारी एलईडी ग्लो करेगी। एलईडी ग्लो करने का क्या मतलब है कि जो आईसी है उसको प्रॉपर सप्लाई मिल रही है, जो 12 वोल्ट हम दे किसी को या 5 वोल्ट दें वो उसको मिल रहा है और वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और ये वाली जो एलईडी है हमारी, इसको रिवर्स में वोल्टेज मिल रही है क्योंकि एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये हमारा बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस केस में एलईडी ग्लो नहीं करेगी। ये बेसिकली फॉल्ट एलईडी है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वो हमें नेक्स्ट से क्लियर होगा। सो सी इन दिस इमेज, इस इमेज में मैंने क्या किया, जो बैटरी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, जो एलईडी के नेगेटिव पे जा रहा है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के पास जा रहा है। तो अगर डायोड को हम रिवर्स में करेंगे तो डायोड हमारा अलाउ नहीं करेगा करंट को पास करने में, तो इससे जो हमारी ये वाली आईसी है इसके पास कोई भी वोल्टेज या करंट पास नहीं होगा, इसके पास कोई भी करंट नहीं जा रहा है। और यहाँ पे ये हमारी आईसी है और ये हमारी फॉल्ट एलईडी है। फॉल्ट एलईडी इंडिकेट कर रही है कि हमने कनेक्शन उल्टे कर दिए हैं। रिवर्स में करें तो ये हमें इंडिकेट करेगी कि यस हमने कनेक्शन को उल्टा किया है, तो हमें उसे सही डायरेक्शन में लगाना है। तो यहाँ पे इन केस अगर हमने ये डायोड नहीं लगाया होता तो होता क्या कि अगर हमारी जो भी आईसी है अगर उसके पॉजिटिव को हम नेगेटिव दे दें और नेगेटिव को पॉजिटिव देते तो हमारी आईसी डैमेज हो जाती है उस केस में। बट यहाँ पे हमने एक प्रोटेक्शन के लिए डायोड लगा दिया कि अगर इन केस बाय चांस हम नेगेटिव कनेक्शन कर भी देते हैं तो डायोड आगे कुछ पास होने नहीं देगा और इससे हमारी आईसी प्रोटेक्ट हो जाएगी। सो नाउ दिस इज़ द वे वी कैन यूज़ डायोड टू प्रोटेक्ट आर आईसीज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। उसके बाद आता है डायोड को हम रिले के साथ भी यूज़ करते हैं पैरेलल में। जितनी भी आप आगे हम सर्किट्स बनाएंगे, जब भी आप रिले को कनेक्ट करते हो किसी भी सर्किट में किसी भी लोड को ड्राइव करने के लिए, तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि उसके एक पैरेलल में डायोड को हमेशा कनेक्ट करना है। बट डायोड को कनेक्ट कैसे करना, जो रिले का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव इन द सेंस जहाँ पर आप रिले को पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हो वहाँ पे आपको डायोड का नेगेटिव कनेक्ट करना है, और जहाँ पे रिले का नेगेटिव आ रहा है ग्राउंड आएगा वहाँ पे डायोड का पॉजिटिव। अब इसका क्या रोल है, कैसे यूज़ हो रहा है, सो लेट्स डिस्कस। सपोज हमने 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से दी, अब जब हम 12 वोल्ट की सप्लाई रिले को देंगे तो यहाँ पे रिले का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ से उसको नेगेटिव जा रहा है, तो रिले हमारी ऑन हो गई। बट डायोड जो है हमारा इस केस में रिवर्स बायस है, तो डायोड यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, डायोड एज इट इज़ उसके पैरेलल में जस्ट कनेक्टेड है और रिले का जो काम है वो अपना काम कर रही है, लोड को ड्राइव करना है वट एवर वी आर डूइंग। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमने यहाँ से इसको डिसकनेक्ट कर दिया। डिसकनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि दिस इज़ बेसिकली एक कॉइल, रिले जो होती है उसका जो ये वाला फर्स्ट पार्ट होता है दिस इज़ बेसिकली एक कॉइल। कॉइल इज़ जस्ट लाइक एन इंडक्टर, वी हैव डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस वीडियो एज वेल। तो इंडक्टर को जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो उसकी सप्लाई को डिसकनेक्ट करने के बाद भी इंडक्टर में कुछ चार्ज स्टोर हो जाता है। अब जब जैसे ही हमने इसको डिसकनेक्ट किया तो जो इंडक्टर है वो उसका बेसिक नेचर क्या होता है कि वो चाहता है कि उसे कुछ पाथ मिले करंट के फ्लो के लिए। तो अगर हम इसको डिसकनेक्ट कर देंगे तो इंडक्टर को अगर कोई पाथ नहीं मिलेगा तो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें हम रिले को बेसिकली ट्रांजिस्टर से ड्राइव करवाते हैं, तो जो हमारी रिले है वो हमारे ट्रांजिस्टर को डैमेज कर सकती है। सो टू प्रिवेंट दैट हम क्या करते हैं, एक डायोड लगा देते हैं ताकि जो भी इसके अंदर करंट स्टोर हुआ है, जो भी इसने एनर्जी स्टोर की है, उसको एक पाथ मिल जाए फ्लो करने के लिए। वो यहाँ से फ्लो करेगा और डायोड के क्रॉस ड्रॉप होता रहेगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो हमारा जो है पूरा उसका जो चार्ज है जो स्टोर हुआ था वो पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स लगे होंगे सर्किट में, वो हमारे डैमेज नहीं होंगे। सो इन दिस वे डायोड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लाइक दिस। उसके बाद देर आर मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द डायोड। डायोड का हम यूज़ करेंगे जो हम फर्स्ट मेजर हमारा सर्किट बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके सारा बेसिक कवर करने के बाद
वो हम पावर सप्लाई का बनाएंगे। तो पावर सप्लाई में भी हमारा रेक्टिफायर एक सर्किट होता है, उसमें भी डायोड का काफ़ी यूज़ होता है टू कन्वर्ट दी एसी इनटू डीसी, क्योंकि हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं वो सारे हमारे डीसी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो कंडीशन होती है पावर सप्लाई में वो यही होती है कि जो पीछे से हमें 220 वोल्ट मिल रहा है उसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना है। ऐसे हम डायोड को एज ए प्रोटेक्शन सर्किट्स में यूज़ करते हैं, रिले में करते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो हम धीरे धीरे अपने सर्किट्स के साथ क्लियर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और यू कैन कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस यू कैन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।